इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जीतने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोना और मेरे चैनल का नाम है मोना हाउसवाइफ ऑल इन वन। और मैं दिखा रही थी कि मेरा कुर्ती अब कितना लूज हो गया है। पहले से बहुत ज़्यादा ही लूज हो गया है। पहले ये सब कुर्ती मेरे में बहुत ज़्यादा टाइट होता था, अच्छा भी नहीं लगता था, और अब बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगने लगा है। और मेरे सारे कुर्ती, मेरा सारा कुर्ती लूज हो गया है। डबल एक्सल से एक्सल पे आ गई थी, अब एक्सल से मैं मीडियम पर आ गई हूँ। मैं अपना न्यू कुर्ती सब भी आप लोगों को शेयर करूँगी आने वाले न्यू वीडियो में, कि मेरा अब मीडियम साइज़ का कुर्ती आने लगा है। पहले से मेरा काफ़ी वेट लॉस हुआ है, और जो भी दीपावली में खाया पिया था सब मैं अब निकाल बाहर कर दी हूँ। एक घंटा का मेहनत से मेरा बहुत अच्छा मुझे फल मिला है। और बात वही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर हम डेली मेहनत करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी वीडियो मैं, कोई भी क्लिप मैं फास्ट नहीं दिखा रही हूँ एक्सरसाइज का, सब नॉर्मली दिखा रही हूँ। जैसे मैं करती हूँ वैसा ही दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए और मैं देखे कितना लूज हो गया है, वही मैं दिखा रही हूँ। और अब मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा है पहले से, और मेरा शरीर भी बहुत हल्का हो गया है। भगवान की कृपा से अभी तक मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। और अगर मैं कंटिन्यू ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहूँगी तो उम्मीद है कि कभी भी कोई भी बीमारी मेरे पास ना आए, और कभी भी मैं मेडिसिन पर निर्भर ना हो। और ये देखिए, ये सब एक्सरसाइज मैं जो भी कर रही हूँ, जो सारे बेली फैट के लिए हैं और थाई फैट के लिए है। अब मैं जो भी एक्सरसाइज शुरू से मैं कर रही हूँ, मेरा 4 मंथ से 5 मंथ होने वाला है, और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है एक्सरसाइज का और 32 बार जर्नी का। मैं अगर मेरा वेट बढ़ भी जाता है ना पूजा पाठ में खाने पीने से, तो मैं उसे फिर से कंट्रोल कर लेती हूँ। मैं उसे अब मैं बढ़ने नहीं देती, और मेरा वेट अब इतना ही रहेगा। मेरा वेट अभी हो गया है 53 kg। कभी लाइव आप लोगों को दिखाऊंगी, थोड़ा सा और मेरा वेट कम हो जाए। मेरा टारगेट है 50 kg तक आने का, तो 50 kg जब मेरा वेट हो जाएगा तो मैं लाइव आप लोगों को दिखाऊंगी। और इंचेस भी लॉस करना है मुझे, मेरा थोड़ा सा इंचेस लॉस हो जाएगा तो और मैं स्लिम हो जाऊंगी, तो और अच्छा लगने लगेगा। और मेरी काकी माँ जाती है 2 घंटा योगा क्लास करने के लिए, तो मेरा भी इच्छा हुआ कि मैं भी जाऊं। लेकिन वहाँ 2 घंटा टाइम बिताने से अच्छा है कि अपने घर में 30 से 45 मिनट में एक्सरसाइज कर लूँ, तो मेरा उसी में मैं फ़िट हो जाऊंगी। और मैं हो भी गई हूँ, पहले से मैं बहुत ज़्यादा फिट हो गई हूँ। पहले का आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, पहले मैं ऐसे नहीं थी, जगह जगह से बैक से फैट दिखता है, ऐसा नहीं फैट नहीं दिखता है, लेकिन अब मेरा कहीं से फैट नहीं दिखता। थोड़ा सा पेट है, तो पेट को अंदर करना है, तो वो भी हो ही जाएगा, मैं लगी हुई हूँ। और एक बार में तो फैट, मोटापा बढ़ता नहीं है, तो एक बार में जाएगा भी नहीं, तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। 3 मंथ 4 मंथ तो लगेगा ही लगेगा, और हो भी जाएगा। थोड़ा सा पूजा पाठ में काम भी हो जाता है, खाना पीना भी हो जाता है, लेकिन सभी को कंट्रोल करने से सभी कंट्रोल भी हो जाता है। हम हाउसवाइफ अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जब हम लोग घर का काम कर सकते हैं टाइम टू टाइम, तो हम लोग अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। और मेरा एक्सरसाइज सेस हो गया है, और योगा मैं लास्ट में 10 मिनट करती ही करती हूँ। योगा में मेरा रहता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, तितली आसन, और ये मैं 20 बार करती हूँ। मेरा कोई भी एक्सरसाइज 20 बार ही होता है, 20 से 30 होता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं कुछ दिनों से अपना वेट कटर ड्रिंक नहीं बना रही हूँ। एक्सरसाइज के बाद मैं नॉर्मल सा मैं गर्म पानी ले लेती हूँ, क्योंकि वेट कटर ड्रिंक कंटिन्यू, जीरा पानी हो चाहे और अजवाइन पानी हो, तो कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, हानि होता है। तो अभी मैं कुछ दिनों तक गर्म पानी लूँगी, उसके बाद ये करूँगी। और मैं दिखा रही हूँ कि आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, चावल बैठा दी हूँ, और ये मैं एक क्या होता है बॉकफुल, उसका मैं पकौड़ा करने वाली हूँ, ये है बॉकफुल। तो और वहाँ धनिया भी रखा हुआ है, तो धनिया पत्ता का भी मैं चटनी करने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी दोनों का मैं बैटर रेडी कर लूँ,
तो आज का मेरा सिंपल सा खाना होने वाला है कढ़ी चावल। फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता कभी भी 12 बजे से पहले नहीं होता है। मैं 12 बजे तक अपना नाश्ता कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद बिल्कुल भी आराम नहीं करती। डायरेक्ट मैं किचन में आ जाती हूँ काम करने के लिए। मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ और उसके बाद वाईटी का भी काम रहता है। और आज ये शायद थर्सडे का ब्लॉग है, याद नहीं है किस दिन का ब्लॉग है। लेट हो गया है मुझे ये वाला ब्लॉग डालने में, और मेरा फ़ोन में स्पेस भी नहीं है, बार बार डिलीट करना पड़ता है बहुत सारा वीडियो। फ्रेंड्स, मेरा कढ़ी चावल हो गया है, कढ़ी भी हो गया है और चावल भी हो गया है। अब खाली ये इस बैटर में बनाना है, वो क्या बोलते हैं, बॉकफुल। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा सिंपल सा खाना, करी चावल वो फूल का पकौड़ा साथ में दही। ये प्लेन दही है, इसमें चीनी का ज़रा सा भी मैं नहीं लेती हूँ। उसके बाद मैं फ्रेंड्स रात में मिल रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, आलू सोयाबीन की सब्जी बना रही हूँ। उसमें हरा मिर्च और हल्दी नमक का ही यूज़ कर रही हूँ, भुना हुआ जीरा भी है और ज़्यादा मसाला का यूज़ नहीं कर रही हूँ। रात में सिंपल सा मेरा खाना बनता है और रोटी भी ज़्यादा नहीं करना है, 8 पीस रोटी करने से ही हम तीनों जन का हो जाता है। और मेरा रात का खाना कंप्लीट हो गया है, और ये देखिए मेरा सिंपल सा सब्जी भी रेडी हो गया है। और मैं यही घर का खाना खा के, कोई स्पेशल सा अपने लिए खाना नहीं बनाती हूँ, जो सबके लिए बनाती हूँ मैं अपने लिए भी वही खाना खाती हूँ। और इसी से मैं अपना वेट लॉस भी कर रही हूँ, थोड़ा सा खाने पर कंट्रोल है। हाँ, वर्कआउट डेली करना है, हमें डेली वार्म अप करना है, और वार्म अप और एक्सरसाइज जो भी हो डेली हमें करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। हाँ, एक दिन हम लोग मनपसंद का खाना खा सकते हैं, उसके बाद टैप कर दी किचन का। और देखिए कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ से नज़ारा, और मेरे रूम का भी अच्छा लगता है, मेरे कमरे का भी अच्छा लगता है। ये देखिए इधर भी पूरा लगा हुआ है, और कल छठ पूजा है, छठ पूजा तक रहेगा। इधर है, उस साइड है, अच्छा लगता है देखने में। और मेरा बिस्तर का अवस्था बहुत ख़राब है, तो मैं मेरा रात में रूम का अवस्था कुछ ऐसा हो जाता है, ये शाम से लेकर 8 बजे तक रूम का अवस्था ऐसा ही रहता है। और जब मेरा उधर खाना बन जाता है तो फिर मैं आके अपना कमरे को ठीक कर लेती हूँ। उनके घर आने से पहले मैं पूरा घर को एकदम साफ़ सुथरा क्लीन कर देती हूँ। उनको कचरा या फैला हुआ घर ज़रा से भी अच्छा नहीं लगता है, बिस्तर ज़रा से भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं हम सब जगह पे सामान रख के सब कुछ ठीक ठाक करके सुंदर बना देती हूँ रूम को। और मुझे भी फैला हुआ घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब तक मेरा वाईटी का काम रहता है तब तक ऐसा ही फैला हुआ रहता है। वाईटी का काम मेरा शेष हो जाता है, उसके बाद मैं सारा को सारा समेट देती हूँ। काम करने से गर्मी लगने लगता है, गर्मी लगने लगा, काम करने से गर्मी लगने लगता है, आराम करने से ठंडा लगने लगता है, कभी फैन चला दिए। फ्रेंड्स, मेरा रूम ठीक ठाक होने ही वाला है, और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, और वीडियो को यहीं पे शेष कर रही हूँ, और एक अच्छे से न्यू वीडियो के साथ मिल रही हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।